Good morning students, I am Savita, your grammar teacher. Today I am going to teach you lesson 12 exercise. Open page number 78 in your book and put the right date and classwork. Date and classwork. Middle in right classwork. Okay? So, exercise A. Look at the picture and fill in the blank using these are those. In previous video, मैंने आपको बताया था these कहाँ लगता है. These is word used for जो चीजें हमारे पास में होती हैं और दोस फार के लिए, दीज नियर के लिए और दोस फार के लिए. जो चीजें दूर होती हैं उसके लिए हम दोस लगाते हैं और जो चीजें पास में होती हैं उसके लिए हम दीज लगाते हैं. बट दीज एंड दोस हम हमेशा प्लुरल सब्जेक्ट्स के साथ ही यूज करते हैं. जब चीजें एक से अधिक होती है तभी हम दीज और दोस का यूज करते हैं, अदरवाइज हम दिस और दैट का यूज करते हैं. ओके, तो फर्स्ट इज आर आवर प्लांट्स. तो फर्स्ट में हम क्या भरेंगे? देखिए बच्चे बिल्कुल प्लांट्स के पास है, तो दीज आर आवर प्लांट्स. फर्स्ट में हम दीज भरेंगे. ओके, इन सेकेंड आर टमेटोस. देखो दीज नंबर थ्री आर नंबर थ्री आल्सो दीज. नंबर फोर दोस. Those are birds. देखो birds दूर है, tree पर है. Number फाइव are flowers. तो these are flowers. In first plant these, second also these, third these, fourth those and fifth these. Turn to the next page. Look at around you. Draw the things that you near and things that you are far away from the right now. Write two sentences for each of the picture using these are those. तो आपको वो picture draw करते हुए ही उसके बारे में आपको two sentences write करने हैं. ठीक है? पहले आप देंगे, तो आप जो भी पिक्चर ड्रॉ करिए और उसके बाद ही दीज और दूज बनाकर दो मतलब सेंटेंस राइट करिएगा विद द हेल्प ऑफ योर मदर. ओके, नेक्स्ट इज जैसे दीज आर डॉल्स, दोज आर स्टार्स इन द स्काई. कुछ भी आप स्टार्स ड्रॉ कर दो, हाँ कुछ भी यहां पर ड्रॉ करिए और उसके बारे में दीज एंड दोज करके आपको राइट करना है. एक्सरसाइज है Look at this picture, answer this question in full sentence. Starting with these are those. One has been done for you. तो आपको पिक्चर देख के आपको फुल सेंटेंस में आंसर राइट करना है. तो फर्स्ट तो हो गया what are these? These are. What are those? Those are kittens. वहां पर वो क्या है? वो बिल्ली के बच्चे हैं. वैसे ही नंबर टू what are these? हाँ नंबर टू what are these? तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर डॉल्स. दीज आर डॉल्स. नेक्स्ट पेज व्हाट आर दोज? हाँ व्हाट आर दोज? तो क्या लिखेंगे? दोज आर बलून्स. दोस आर दोस आर बलून्स. फिर क्या है? व्हाट आर दीज? दीज आर बटरफ्लाइज. व्हाट
These are butterflies. फिर है what are those in the sky? तो पिक्चर में देखिए क्या स्टार्स है ना, दोज आर स्टार्स, दोज आर स्टार्स इन द स्काई, इन द स्काई, ठीक है. In first, these are dolls. Second है, sorry, second, third, those are balloons. Fourth, these are butterflies. Number five, those are stars in the sky. That's all for today. We will meet in next video for remaining part of this lesson. Till then, bye. Take care.